पूनम अपने पति मोहन और बेटी ज्योति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जी रही थी। मोहन का बिजनेस भी अच्छा था। मोहन भी अपनी पत्नी और बेटी को बहुत प्यार करता था और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करता था। सब कुछ ठीक था, पर एक दिन अचानक मानो पूनम की खुशियों को किसी की नजर लग गई। कहते हैं जब व्यक्ति अमीर और पैसे वाला होता है तो बुरी संगत उस पर जल्दी हावी होती है। ऐसा ही मोहन के साथ हुआ। मोहन को दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत पड़ गई। वो अक्सर पार्टी करने के बहाने दोस्तों में शराब पर पैसा बहाने लगा। उसने दोस्तों के साथ पीने खाने के लिए घर की एक एक चीज बेचनी शुरू कर दी। सुनो, ये सोने की चेन और चूड़ियां कहाँ ले जा रहे हो? मेरा गहनों का डिब्बा वापस करो। ये गहने मैंने तुझे बनवा कर दिए थे, समझी? तो इन गहनों पर मेरा हक है, मैंने कहीं भी लेकर जाऊँ है? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? चल हट जा मेरे सामने से। आप ये गलत कर रहे हो। देखना, आपकी पीने खाने की बुरी आदत एक दिन हमारा सब कुछ बर्बाद कर देगी। मोहन ने पूनम की एक नहीं सुनी। धीरे धीरे मोहन ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। अब वो बहुत गरीब हो चुके थे। मोहन पूनम और ज्योति को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा। शराब ज्यादा पीने के कारण मोहन की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और घर में दवाई के पैसे नहीं थे। क्या करूं, घर में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इनकी दवाई खत्म हो रही है, पर मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा? सब मेरे कारण हुआ है ना। मैं शराब जैसी बुरी चीज को अपनी आदत बनाता और ना हमारा ये हाल होता। बना बनाया बिजनेस, घर, गाड़ी सब बिक गया, और तो और हमारी ज्योति का स्कूल भी छूट गया। बात करते करते मोहन रो पड़ा। अरे आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना कोई काम ढूंढ लूंगी, आप चिंता मत करो। पूनम मोहन की हालत देखकर और परेशान हो गई। पूनम के पड़ोस में सरोज नाम की एक महिला रहती थी। वो दाल चावल का ठेला लगाती थी, पर वो अपना सब कुछ बेचकर गांव जा रही थी। क्या हुआ सरोज दीदी, आपने दाल चावल का ठेला नहीं लगाया? नहीं नहीं, हम तो अपना सब कुछ बेचकर गांव जा रहे हैं। गांव में अपनी जमीनें हैं, वहीं खेती बाड़ी करके रहेंगे। बच्चे भी दादा दादी के पास गांव में ही रहते हैं, तो उन्हें भी अकेले परेशानी होती है। बस एक दो दिन में चले जाएंगे। सरोज दीदी, मेरे पास भी कोई ऐसा काम नहीं है जिससे मैं घर का खर्चा निकाल सकूं। अगर आप गांव जा रहे हो तो क्या मैं दाल चावल बेचने का काम शुरू कर दूं? बहुत परेशानी चल रही है, घर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या काम करूं। हाँ क्यों नहीं, इसमें क्या परेशानी है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। और ठेला और बर्तन खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। पर सरोज दीदी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको। अरे तो पैसे किसने मांगे हैं? तुम आराम से अपना काम शुरू कर लो, उसके बाद जब थोड़ी कमाई होने लगे तब हम इस बारे में बात कर लेंगे। सरोज पूनम की बहुत मदद करती है और पूनम दाल चावल का ठेला लगाने लगती है। सरोज गांव जा चुकी थी, पर उसके बंधे हुए ग्राहक अब पूनम के ठेले पर आने लगे थे। इससे पूनम को बहुत फायदा हो गया। पूनम रोजाना सुबह दाल चावल बनाती थी और पूरा दिन ठेले पर दाल चावल बेचती थी। पूनम की कमाई शुरू होने लगी, जिससे घर का खर्च भी निकलने लगा और मोहन की दवाई भी समय पर आ जाती थी। पूनम ने ज्योति को भी फिर से स्कूल में डाल दिया। पूनम दाल चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, इसलिए उसके ठेले पर ग्राहकों की बिक्री बढ़ने लगी थी। सब कुछ ठीक हो गया, पर एक दिन। ए चले, ए चलो एड़े, चल जल्दी से हफ्ता दे, इस एरिया में बहुत समय से आया नहीं, तो सब आराम से मजा कर रहे हो और दिखाई दे रहा है यहाँ पर सब खूब कमाई कर रहे हैं। भैया ये कौन है जो इस तरह से ठेले वालों से बात कर रहा है, और ये हफ्ता क्या चीज है? पूनम बहन, ये इस एरिया का गुंडा है, कुछ समय से आ नहीं रहा था। पहले जब सरोज बहन खड़ी होती थी तब वो भी इसे हफ्ता देती थी, ये हर हफ्ते आता है और अपना हफ्ता लेकर चला जाता है, यानी कि हर हफ्ते 2000 रुपए इसको देने पड़ते हैं। ये तो बहुत गलत बात है, कोई इसके बारे में पुलिस से नहीं कहता? अरे बहन, इस गुंडे से सब डरते हैं, किसकी मजाल की पुलिस में इसके खिलाफ कोई एक भी शब्द कह दे। अब तुम भी इसे चुपचाप पैसे दे देना, वरना ये तुम्हें यहाँ ठेला नहीं लगाने देगा। नहीं भैया नहीं, अत्याचार सहना और अत्याचारी का साथ देना दोनों ही गलत है, मैं इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकती, मैं इस गुंडे को पैसे नहीं दूंगी। तभी वो गुंडा वहाँ आ जाता है। अरे यहाँ तो पहले सरोज ठेला लगाती थी ना, लगता है तुम उसकी जगह आई हो। चलो मुझे क्या करना है, चले जल्दी से मेरा हफ्ता दे, मुझे देर हो रही है मुझको। मैं कोई हफ्ता नहीं देने वाली, मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें क्यों दूं? जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या कहा, पुलिस बुलाएगी तू? पुलिस? मेरे खिलाफ कोई पुलिस में शिकायत नहीं कर सकता, समझी? तुम मेरे से डरते हैं, समझी? अब देखता हूँ तू यहाँ ठेला कैसे लगाती है। चल हट यहाँ से। अरे छोरो, निकालो इसके गले में से 2000 रुपए। चलो। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
सब लोग जग्गू नाम के उस गुंडे से डरते थे। कोई भी जग्गू के आगे नहीं बोलता था। जग्गू सबसे पैसे लेकर चला जाता है। पूनम बहुत गुस्से में थी। वो सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और जग्गू के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है। उस एरिया में ये सब चल रहा है, इस बात का हमें पहले ही शक था। अगर ये खबर हमें पहले किसी ने दे दी होती ना, तो हम कब का जग्गू को गिरफ्तार कर चुके होते। हम जब भी वहाँ के ठेले वालों से कुछ भी पूछने के लिए जाते हैं, तो कोई भी जग्गू के खिलाफ गवाही नहीं देता, सब डर जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप सचमुच बहुत बहादुर हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम जग्गू को शाम होने से पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे मैडम। आप जाइए अब। पूनम की शिकायत पर पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। शाम तक जग्गू के सारे ठिकानों पर पुलिस छापा मारती है। जग्गू और उसके सभी साथियों को पकड़ लिया जाता है। पूनम को अपने पैसे वापस मिल चुके थे। आज सभी ठेले वाले पूनम की बहुत तारीफ कर रहे थे। सभी ठेले वाले बेफिक्र थे क्योंकि पूनम ने उन्हें जग्गू जैसे गुंडे के खौफ से छुटकारा दिलवाया था। कुछ समय बाद मोहन की तबीयत भी ठीक हो जाती है। उनके पास पैसे भी जुड़ चुके थे, इसलिए पूनम और मोहन ने एक होटल खोल लिया। अब पूनम और मोहन की जिंदगी में फिर से सुख के दिन आने लगे थे। सुमित्रा, क्या बात है, तूने कटहल में इतना तेल भर दिया। रोहन और प्रिया ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और कटहल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था, शायद इसी वजह से तेल दिख रहा होगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले खाने में, बिल्कुल फीकी बना दी। ओ सुमित्रा, बात सुन, इसकी बातों को मत सुना कर। तेरे हाथ की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं। जिस दिन तू कभी ना आए, एक फुल्का बनाने भी रसोई में नहीं घुसती, सब खाना बाजार से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रखी है, कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए, किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है, अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्च बताया है, पता नहीं कोई रॉड डलेगी तभी ठीक होगा। अच्छा चलती हूँ माता जी। सुमित्रा एक गरीब औरत थी, जब से उसके पति के पैर का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है, इसीलिए वो यहाँ काम करके दो पैसे कमा लेती है। माँ, आज बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना, मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना। सुमित्रा, आज मेरी इस हालत की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, काश उस एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार जो ऐसी बात कही, आज कह दिया आगे से मत कहना। अरे तुम ही तो मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते, देखना एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी, वो अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी, पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही टूट गई, जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन, कोई कमी है तो वो बता दो, मैं वो दूर कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। अरे शोभा, एक बार सोच ले, अगली बेचारी को कितने समय से तूने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तू इसे निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमार है, घर में दो छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? माँ जी आप चुप रहिए, आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का? सुमित्रा, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है, ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन आई हो, तुम ये 2 दिन के रुपए ले जाओ, कल से मत आना। सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात कहती है, वो भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा, हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर। सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे माता जी आप, और इस समय, आइए अंदर आइए। सुमित्रा, आज सुबह शोभा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। जी बोलिए माता जी। सुमित्रा, ये 10,000 रुपए रख ले,
और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। वैसे तू छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है, अगर तू चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं, तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी। पर माता जी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमित्रा, ये पैसे मेरे खुद के हैं, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इन रुपयों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। अब तू देर मत कर, इन रुपयों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है और वो माताजी को दिल से शुक्रिया करती है। आज मुसीबत की इस घड़ी में माताजी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। माताजी की सलाह सुमित्रा और उसके पति को ठीक लगती है और अगले ही दिन सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और दो तीन दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है। पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है। भैया बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज चटनी अचार और बूंदी का रायता भी एक प्लेट खाई थी कल मैंने। भैया सचमुच आनंद आ गया बता रहे। अच्छा एक काम करते हैं, एक प्लेट खा लेते हैं चलकर, गरम गरम है, मजा आ जाएगा। दो प्लेट छोले भटूरे देना और प्याज और अचार ज्यादा कर देना। ठीक है अभी देती हूँ, आप दोनों के लिए भैया जी। हमें भी एक एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो, भटूरे थोड़े करारे देना है। सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है, उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो छोले भटूरे के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है। अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी, उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और कुछ मिठाइयां भी बेचनी शुरू कर दी थी। सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। नमस्ते मालकिन, वो माताजी से मिलना था। माँ जी का 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया, शुगर बढ़ गई थी और फिर काफी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुछ काम था माँ जी से, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। माताजी के गुजरने की खबर सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं के कारण उसके पास पैसे और काम था। सुमित्रा जो रुपए माताजी को वापस करने गई थी, उन रुपयों से वो गरीबों में माताजी के नाम का दान करती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सुमित्रा के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे, पर आज भी सुमित्रा माताजी के एहसान को नहीं भूल पाई थी, इसीलिए वो उनकी याद में महीने में एक दिन छोले भटूरे बनाकर गरीबों में बांटती थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।